मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित, कहा 21 जून को 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, वैक्सीन से प्रोटोकॉल का होगा पालन, जनता से वैक्सीन लगाने की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, भोपाल में खुलेगा प्रदेश स्तरीय रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के साथ कोविड और दूसरी बीमारियों की होगी स्टडी और रिसर्च। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान, कहा कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे 2024 का चुनाव, कमलनाथ हमारे नेता, सभी में होता है असंतोष। सीएम भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर और कांकेर को 222 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, रायपुर से वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। गुजरात से जबलपुर लाए गए मामले के आरोपी कौशल बुरा, पुनीत चाह, सुनील मिश्रा और सपन जैन की 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हुई। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर नियम बदला, 21 जून से सभी उम्र वालों का वैक्सीनेशन होगा, कोविन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन होगा, बीपीएल एपीएल श्रेणी के लिए नियम एक जैसे ही रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान योग करने वालों को काफी लाभ मिला है, योग करने वाले अगर संक्रमित भी हुए तो जल्दी ही स्वस्थ हुए, डॉक्टर भी योग को जीवन में अपनाने की सलाह देते दिख रहे हैं। सीधी के कुसमी जनपद की ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किए जाने का मामला सामने आया, इस मामले में उप यंत्री अनीत दीपंकर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। विदिशा में पिछले 18 दिनों से आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांग पूरी किए जाने को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई हैं, इस दौरान उन लोगों ने मुखर्जी नगर स्थित सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। शहडोल के वार्ड नंबर 1 में स्थित अगरिया टोला पहुंचकर मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है, यहां से आने जाने में लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महासमुंद में तुमगांव पुलिस का पैसा लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, तुमगांव थाना निरीक्षक शरद ताम्रकर और सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र चंद्रिहा का पैसा लेते वीडियो हुआ वायरल। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक विक्षिप्त व्यक्ति ने दूसरे विक्षिप्त की हत्या कर दी, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंडला के बवनी बंजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स और प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने, बवनी सामुदायिक केंद्र इलाज के लिए लाया गया युवक, युवक की मौत के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। कोरोना के बाद आई अच्छी खबर, 28 जून से खुलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के द्वार, मंदिर खोलने के बाद तैयारियां शुरू, ऑनलाइन बुकिंग के बाद 7 स्लॉट में मिलेंगे दर्शन, 28 जून से खुलेंगे महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने रीवा शहडोल संभाग में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई, इसके साथ ही कई अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया।